हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को एक और फॉर्मूला प्रूव करेंगे, है ना। क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय बल की गणना करना है। इसका मतलब ध्यान देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बस अब इसको समझना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में, बाबू एक बात याद रखो, जब भी बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र, है ना, तो देखो दो प्रकार का क्षेत्र हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। एक होता है विद्युतीय क्षेत्र और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना। दो प्रकार का क्षेत्र होता है, एक होता है विद्युतीय क्षेत्र और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। यदि आपसे कोई पूछेगा भाई विद्युतीय क्षेत्र का फिगर बनाए, तो याद रखिए, यदि विद्युतीय क्षेत्र बोला, यदि ऐसा लाइन आप खींच दिए, ऐसा लाइन आप खींच दिए, तो समझ जाइए ये विद्युतीय क्षेत्र है। ये जो लाइन आप खींचे, ये हो गया विद्युतीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र हो गया बाबू? विद्युतीय क्षेत्र। इस प्रकार का जहां लाइन खींच दिए, समझ जाइए ये है विद्युतीय क्षेत्र। और यदि आपके बोले चुंबकीय क्षेत्र खींचिए, तो इस प्रकार का लाइन खींचिए। अंतर है, देखिए विद्युतीय क्षेत्र बोलेगा तो ये लाइन है, चुंबकीय क्षेत्र बोलेगा तो ये लाइन है, ठीक ना। तो यहां सवाल में क्या बोला, फिगर देखिए, तो क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो बना दिए चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश के कारण, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश है क्यू, ये गतिशील है, ठीक ना, के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय बल की गणना करना है। के कारण किसी बिंदु पर, मतलब कि इस चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसका मान निकाला दोस्तों, चुंबकीय बल की गणना कर रही है। अब ध्यान समझिए कि चुंबकीय बल की हम लोग गणना करते कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, क्वेश्चन था कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय बल। अब सबसे इंपोर्टेंट चीज आया कि दोस्तों चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल कब लगता है, पहले ये समझो चुंबकीय बल कब लगता है। तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां पर चुंबकीय बल लगता है, ध्यान समझो। जहां पर करंट है वहां पर विद्युतीय बल लगता है, जहां पर चुंबक है वहां पर चुंबकीय बल लगता है। तो हम लोग को इस फिगर के आधार पर चुंबकीय बल की गणना करनी है। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को उतार दीजिए, बगल में छोटा सा फिगर दीजिए ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर सकें। चलिए दोस्तों फिर उतार लिए। अब मात्र जानते हैं दो लाइन का आंसर है, बस दो लाइन, ठीक ना। और पहले जानबे करते हो कि हम लोग फॉर्मूला प्रूव करने से पहले उसका एक शॉर्ट वाला जान लेते हैं, ठीक ना, छोटा वाला। छोटा वाला मात्र दो लाइन का, जो भी लैंग्वेज है लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, तो मात्र दो लाइन का आंसर। देखिए इसे चुंबकीय बल समझिएगा, चुंबकीय बल को डिनोट करते हैं FM से, FM, ठीक ना। FM का पूरा नाम होता है क्या पता है आपको, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक ना। M से हो गया मैग्नेट चुंबक, F से हो गया फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल। FM बराबर हो गया, देखिए Q इंटू समझिएगा V गुना B, V से हो गया वेग, ठीक ना, और B से हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तो FM बराबर बल बराबर, अच्छा आप खुद आप जानते हैं, F बराबर होता है Q इंटू E, पढ़े ना पहला चैप्टर में। तो बस यहाँ Q तो है ही, लेकिन E के बदले दिया गया V गुना B, चुंबकीय क्षेत्र गुना वेग। अब जानते हुआ मात्र एक लाइन वाला एक बढ़ा दीजिए, सीखना है कितना सिंपल है। देखिए वेक्टर का चिन्ह ना बाबू, वेक्टर का चिन्ह है, और ऊपर से देखो ये क्रॉस गुना है, वेक्टर का चिन्ह है, ऊपर में ये क्रॉस गुना है। इसका मतलब जानते हो कौन थीटा होता है, जब ये वाला गुना का चिन्ह है तो हम लोग देते हैं साइन थीटा, ठीक है। और यदि इस गुना के जगह ये वाला गुना रहता तो क्या देते, कॉस थीटा।
तो चूंकि ये वाला गुना है इसलिए कौन थीटा दिए, साइन थीटा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात दोस्तों, ये दोनों सदिश राशि है, ठीक ना, ये दोनों कौन राशि है, इसे बेग, आपको पता है कि बेग सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा निश्चित होती है। अब यहां गौर कीजिए, एफ एम बराबर क्यू इंटू वी गुना बी साइन थीटा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए, एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, हो गया यही फॉर्मूला है, प्रूव हो गया, बताइए कुछ है, मात्र दो लाइन में आंसर हो गया। तो समझ तो चुके हैं आप लोग, बस आप इसका लैंग्वेज लिख लीजिए, हम फिगर का लैंग्वेज लिखा देते हैं, फिर दो लाइन में उतार दीजिएगा, कितना छोटा था, लिखिए दोस्तों। माना कि बी एक चुंबकीय क्षेत्र है, बी एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें क्यू कूलम आवेश, जिसमें क्यू कूलम आवेश गतिशील है, जो भी वेग से गति करता है, जो भी वेग से गति करता है, पर आप चेंज करके माना कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो वह विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में उसी अवस्था में गति करता है, जिस कारण आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल तीनों लाइन को उतार दीजिए दोस्तों, उतार लीजिए दोस्तों, उतार लिए। चलिए अब चलते हैं दोस्तों इसे केस पर, थोड़ा बहुत केस किया जाए, समझिएगा दोस्तों, बड़ा सिंपल सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, थोड़ा ध्यान देना है। जानते हो ना आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केस का यूज कब करते हैं, केस का यूज ज्यादातर तब करते हैं जब हमारे फॉर्मूला में थीटा आ जाए, समझना है मेरी बात को। मान लीजिए केस वन पर चले, केस वन पर चले, थोड़ा सा इंक डाल लें, चलिए दोस्तों
देखिए केस में सबसे पहला दोस्तों नंबर एक, जब विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है ना, जब विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, या आप इसको विद्युतीय क्षेत्र के जगह आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि मान लीजिए आपको विद्युतीय क्षेत्र नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट समझने के लिए इतना लंबा आपको नहीं जाना है, डायरेक्ट समझने के लिए जब थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री हो। देखिए यदि आपको उतना लैंग्वेज में नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट थीटा का वैल्यूएशन रखना है तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ एम बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, पढ़े ना हम लोग एफ एम बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। अच्छा ये बात आपको पता है कि जीरो डिग्री कब लेते हैं, ये आपको पता है कि जीरो डिग्री कब लेते हैं या क्यों लेते हैं, जीरो डिग्री दोस्तों तब लेते हैं जब कोई दो चीज समांतर हो। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए आवेश जो है इस रूप में जा रहा है ऊपर से नीचे क्योंकि तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और वेग इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो जब ये दोनों लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन ठीक ना, ये दोनों लाइन यदि समांतर हो जाए, फिगर को समझो, ये लाइन जो है आवेश की गति का लाइन और ये लाइन जो है उसके वेग का लाइन, यदि ये दोनों समांतर हो जाए तब थीटा का मान कितना लेते हैं, जीरो डिग्री लेते हैं, और जब थीटा का मान जीरो तो सूत्र क्या हो गया, एफ एम बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, या क्यू वी वी साइन थीटा का वैल्यूएशन कितना है दोस्तों, जीरो डिग्री। साइन जीरो का मान कितना होता है दोस्तों, साइन जीरो का मान होता है जीरो, इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, अर्थात एफ एम इक्वल टू जीरो, अर्थात जब थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री तो चुंबकीय बल का मान कितना होगा दोस्तों, जीरो होगा, अर्थात जब थीटा का मान जीरो डिग्री होगा तो चुंबकीय बल का मान कितना होगा, शून्य होगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय, यदि आपसे कोई ऐसा पूछ दे कि चुंबकीय क्षेत्र, देखो ये है चुंबकीय क्षेत्र, इसमें जो गतिशील आवेश है, इसमें जो गतिशील आवेश है उस गतिशील आवेश के कारण ठीक ना चुंबकीय बल का मान शून्य कब होगा, तो आप कहिएगा जब थीटा का मान कितना डिग्री होगा, जीरो डिग्री, जब थीटा बराबर कितना डिग्री, जीरो डिग्री, तब चुंबकीय बल का मान क्या होगा, शून्य होगा। यही केस वन था दोस्तों, इसको लिख लीजिए आपको, चलिए हो गया दोस्तों। अब देखिए केस टू पर चलते हैं, केस टू ठीक है, देखिए केस टू क्या है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, 90 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 90 का मतलब क्या होता है, लंबवत, 90 का मतलब क्या होता है, लंबवत, कौन कौन लंबवत है, तो चुंबकीय क्षेत्र और गतिशील आवेश, ये जो आवेश है और ये जो चुंबकीय क्षेत्र यदि एक दूसरे के लंबवत हो जाए तब क्या होगा, तो आपको पता है फॉर्मूला लिखेंगे, एफ एम बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, या एफ एम बराबर क्यू वी वी, थीटा का मान कितना डिग्री दोस्तों, 90, या एफ एम बराबर साइन 90 का मान 1, बच गया एफ एम बराबर क्यू वी वी, अर्थात देखिए जब, समझिए मेरी बात को, जब गतिशील आवेश और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो, जब गतिशील आवेश और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो तो थीटा बराबर कितना डिग्री दोस्तों, जीरो डिग्री, और जब थीटा बराबर जीरो डिग्री तो चुंबकीय बल का मान कितना हो गया, क्यू वी वी, ठीक है। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए,
90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री तो आ गया एफ एम बराबर क्यू भी बी। उठा लीजिए इसको, तो दो आ गया दोस्तों, दो केस, एक केस में था थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दूसरे केस में थीटा इक्वल टू 90। यदि थीटा का मान 0 लीजिएगा तो चुंबकीय बल का मान भी 0 आएगा, थीटा का मान 90 लीजिएगा तो चुंबकीय बल का मान आएगा क्यू भी बी। उतारिए, चलिए दोस्तों अब केस थ्री में चलते हैं। केस थ्री में जब थीटा बराबर 180 डिग्री, दोस्तों जानते हो एक बात समझो, जब आवेश, जब गतिशील आवेश की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाए, मतलब आवेश इस ओर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा इस ओर है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है, तब थीटा का मान क्या लेते हैं 180 डिग्री। एक बात हमेशा याद रखिए, जब कोई दो वस्तु एक दूसरे के समांतर हो, जब कोई दो वस्तु एक दूसरे के समांतर हो तो थीटा का मान 0 डिग्री, जब कोई दो वस्तु एक दूसरे के लंबवत हो तो थीटा का मान 90 डिग्री, और जब कोई दो वस्तु एक दूसरे के विपरीत हो तो थीटा का मान 180 डिग्री। तो लीजिए फॉर्मूला में एफ एम बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, या एफ एम बराबर क्यू भी बी साइन थीटा का मान 180, या एफ एम बराबर क्यू भी बी साइन 180 का मान 0, या एफ एम इक्वल टू 0। चलिए हो गया दोस्तों, चलिए हो गया दोस्तों, तीनों केस आप लोग उतार लिए। चलिए अब इससे आपको एक बात समझ में आ गई, यदि आपसे कोई पूछेगा कि चुंबकीय बल का मान अधिकतम कब होता है, देखो ऑब्जेक्टिव कैसे याद करोगे, यदि आपसे कोई पूछा कि चुंबकीय बल का मान अधिकतम कब होता है तो कहोगे कि जब थीटा का मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तब चुंबकीय बल का मान अधिकतम होता है, अर्थात जब चुंबकीय क्षेत्र और गतिशील आवेश एक दूसरे के लंबवत हो तब चुंबकीय बल का मान अधिकतम होता है, और न्यूनतम होने के लिए तो दो शर्त है, जब चुंबकीय क्षेत्र और गतिशील आवेश एक दूसरे के समांतर या एक दूसरे के विपरीत हो तब थीटा का मान होता है 0 डिग्री या 180 डिग्री, और चुंबकीय बल का मान कितना होता है दोस्तों, 0 होता है, अर्थात यदि आपसे कोई पूछे कि चुंबकीय बल का मान अधिकतम कब होता है तो आप सीधे कहिएगा कि जब गतिशील आवेश और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो तब चुंबकीय बल का मान अधिकतम होता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र और गतिशील आवेश एक दूसरे के समांतर हो तब चुंबकीय बल का मान न्यूनतम होता है, अर्थात थीटा का मान 0 डिग्री लेने पर चुंबकीय बल का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए हम आपको आगे एक छोटा सा टॉपिक लिखाते हैं, एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा इससे जुड़ा हुआ, देखिए किसी विद्युतीय क्षेत्र में
गतिशील आवेश की दिशा किस प्रकार निर्धारित होती है? आंसर लिखिए दोस्तों, जब किसी विद्युतीय क्षेत्र में यदि आवेश की दिशा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में है तब यह धनात्मक माना जाता है। किंतु यदि आवेश की दिशा विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में है तब यह ऋणात्मक माना जाता है। चलिए दोस्तों, ये टॉपिक तो हो गया। अब इसी में एक और छोटा सा टॉपिक जुड़ा हुआ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी छोटा और काफी महत्वपूर्ण बल है दोस्तों ये, जिसका नाम है लॉरेंज बल। तो जानिए इसके बारे में दोस्तों, लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल, इसको पहले समझ लो। नाम से तो पता चल ही गया होगा दोस्तों कि ये किसी वैज्ञानिक का नाम लग रहा है, कहोगे सर जी इतना दिमाग पर अंधेरे है कि नाम देख के तो पता लगा लेते हैं कहां से आया है। अब देखिए इस चीज को समझिए दोस्तों कि लॉरेंज एक ऐसे वैज्ञानिक थे, चूंकि हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ये बात आपको पता है ना कि हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं इसमें विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबक क्षेत्र भी है। ये बात दिमाग में रखो कि हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं इसमें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों दोनों है, ये बात तो मानते हो? चलो ठीक। दूसरी बात भी आप मानिए, दूसरी बात कहता दोस्तों कि विद्युतीय क्षेत्र, समझिएगा लॉरेंज बल क्या है, है ना? आप चुंबकीय बल तो आप पढ़ लिए, लेकिन अब लॉरेंज बल, मतलब लॉरेंज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र में लगने वाले एक बल का व्याख्या किया, है ना? उसको हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल। उन्होंने एक समीकरण भी दिया, तो आज पहले जान लीजिए कि लॉरेंज बल है क्या। देखो दोस्तों, हम लोग एक बात समझते हैं कि जहां पर आवेश है, खाली ध्वनि हम सुनना, सुनोगे समझ जाओगे, उतना ही काफी है। जहां पर आवेश होता है वहां पर कौन क्षेत्र होता है? विद्युत क्षेत्र, ठीक है? जहां आवेश गतिशील हो जाए वहां कौन क्षेत्र होता है? चुंबकीय क्षेत्र। मतलब एक बात तुम गौर करो कि इसी आवेश के वजह से
इसी आवेश के वजह से दोनों क्षेत्र है दोस्तों। मतलब यदि आपसे पूछे कि विद्युतीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है तो आवेश, चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है तो भी आवेश। इसका मतलब कि आवेश ही एक ऐसा माध्यम है जो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को एक साथ उत्पन्न कर सकता है। और इसी की व्याख्या करने के लिए दोस्तों एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लॉरेंज। उन्होंने विद्युत और चुंबक के आधार पर एक नए बल का प्रतिपादन किया जिसका नाम रखा गया लॉरेंज बल। तो क्या है लॉरेंज बल, इसके बारे में जान लीजिए एक लाइन, है ना। यदि आपसे कोई पूछे कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं तो एक लाइन में परिभाषा जानिए दोस्तों, क्या बोलोगे ध्यान से खाली सुनना है। यदि आपसे कोई पूछे कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं, सामान्य परिभाषा बोलिए कि लॉरेंज बल एक ऐसा बल है। यदि आपसे कोई पूछे कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं, सामान्य भाषा में बोलिए कि लॉरेंज बल एक ऐसा बल है जिसमें विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। अर्थात कि किसी, ध्यान सुनना, किसी विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र के कारण, किसी विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र के कारण किसी बिंदु पर लगने वाले बल को, मतलब एक ऐसा बिंदु है, ध्यान से मेरी बात समझना, एक ऐसा बिंदु है जिस पर विद्युत क्षेत्र भी लगता है और चुंबक क्षेत्र भी लगता है, मतलब एक ही बिंदु पर दोनों बल लग रहा है, एक विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगा और एक चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगा, तो ऐसे बल को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। अर्थात, अर्थात दोस्तों क्या बोलोगे, अर्थात क्या, एक ऐसा बल जिसमें दो क्षेत्र हो, कौन कौन, विद्युतीय क्षेत्र भी हो और चुंबकीय भी। आप पूछ दे कि अच्छा बताओ, आप बहुत ज्यादा फिजिक्स पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ते हैं, कम ही पढ़ते हैं, खैर जो भी पढ़ते हैं, यदि आपसे पूछ दिया कि एक ऐसे क्षेत्र का नाम बताओ, एक ऐसे बल का नाम बताओ जिसमें विद्युत और चुंबक दोनों आता हो, तो आप क्या बोलेगा, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल में विद्युतीय क्षेत्र भी होता है और एक साथ चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, और इन दोनों क्षेत्र के कारण जो बल लगता है उसको हम लोग कौन सा बल कहते हैं दोस्तों, लॉरेंज बल कहते हैं। क्लियर हो गया, तो क्या दो लाइन में लिख लिया जाए, लिख लीजिए लॉरेंज बल के डैश लीजिए और लिखिए, जब किसी विद्युतीय क्षेत्र में, जब किसी विद्युतीय क्षेत्र में अथवा चुंबकीय क्षेत्र में एक साथ दोनों क्षेत्र उपस्थित हो, तो उनके द्वारा किसी बिंदु पर लगाए गए बल को लॉरेंज बल कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो खैर रहने दीजिए, कल फिर हम इसका फॉर्मूला प्रूव करेंगे। इससे दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात कि अब लगता है हमको जुलाई से, एक या दो जुलाई से आप लोग का कोचिंग जहां तक हमको लग रहा है कि खुल जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि शायद अब जो लॉकडाउन 5 लग रहा है उसमें उसके सेकेंड फेज में इसको 3 फेज में बांट दिया गया है, तो सेकेंड फेज में हो सकता है कोचिंग स्कूल ये सब खोला जाए। तो जहां तक मेरा मानना है दोस्तों कि आप लोग का कोचिंग स्कूल जो है वह जुलाई में खुलेगा लॉकडाउन के बाद, तो एक महीना अभी भी हम लोग को इसी व्यवस्था में ही पढ़ना है ना। तो आप लोग भी सचेत रहिए, ध्यान में रहिए और सुरक्षित भी रहिए, अच्छा है, ऑनलाइन क्लास करते रहिए, ठीक है।